भिवानी में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने एक बयान दिया और उन्होंने विपक्षी नेताओं को लेकर निशाना साधा है। बयान दिया है और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाई लोगों को वहम हो गया था। विरोधी नेता मोदी को गालियां देने लगे थे, विरोधी नेताओं पर, विपक्षी नेताओं पर, विपक्ष पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने निशाना साधा है और उन्होंने ये कहा कि लोकसभा चुनाव में भाई लोगों को वहम हो गया था। रामविलास शर्मा हरियाणा के शिक्षा मंत्री अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और भिवानी में मौजूद थे, वो पत्रकारों से बात कर रहे थे, लोगों को संबोधित भी कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने अपनी जीत को लेकर ये भी कहा कि जनता ने प्यार दिया है सरकार के कामकाज को देखकर मोदी जी के नाम पर। और विरोधी नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के नेता थे, विरोधी नेता थे, वो पीएम मोदी को गालियां दे रहे थे, उनको वहम हो गया था, भाई लोगों को वहम हो गया था, ये कहना है शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का। भाई लोगों के लिए वहम हो गया। मैं बोला भाई नरेंद्र मोदी ने जो घनी गाड़ देगा वो बड़ा लीडर कहलाओ। नहीं, 2017 में हमने तो पिछले चार सालों में लगभग 40,000 अध्यापकों को, नए अध्यापकों को नियमित रूप से रोजगार दिया।